मेरा नाम है राशिफ फारूक अलीजो अलीना खान और आप देख रहे हैं समथिंग समथिंग हॉट और देखना मत भूलिएगा और जरूर आइएगा अठारह नवंबर को हमारी फिल्म जॉयलैंड रिलीज हो रही है पूरे पाकिस्तान के सिनेमा में सो जाके देखिए जरूर अस्सलाम वालेकुम मैं हूं आमना आप देख रहे हैं समथिंग हॉट एंड दिस इज़ हॉट टॉक विद द कास्ट ऑफ जॉयलैंड जॉयलैंड आने वाली फिल्मों में से एक है बहुत ज़रूरी फिल्म है हमारे लिए देखना हमारी ऑफिशियल ऑस्कर सबमिशन है इट्स अ फिल्म दैट इज़ अस इनक्रेडिबली प्राउड फेस्टिवल फिल्म है जहां जहां गई है स्टैंडिंग ओवेशन मिले हैं और तारीफों के कुछ ऐसे पुल बंधे हैं कि हम जितना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं वो कम है सबसे पहले हम मिलेंगे फिल्म की अनडिक्लेयर्ड स्टार से जिनको हमने देखा है थ्रू इंटरव्यूज पहली दफा मुलाकात कर रहे हैं अलीना खान अलीना वेलकम और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपको फॉलो किया है मैंने पूरा जितना आपका फेस्टिवल राउट है उसको फॉलो thank किया you, है।, right? है आपकी तस्वीरें देखी है आपके इंटरव्यूज देखे और जबरदस्त आपकी परफॉर्मेंस है फिल्म में और आपने साइम की पहली फिल्म में भी काम किया है डार्लिंग में यू वर द मेन कैरेक्टर अलीना डार्लिंग का और जॉयलन में भी आपका बीबा का रोल है लेकिन मुझे लोगों को एक परसेप्शन है कि जी जैसे अलीना दिख रही हैं स्क्रीन पे शायद वैसी ही हैं क्योंकि इतना नेचुरली आपने वो अदा किया है कैरेक्टर लेकिन ऐसा नहीं है

वो मुझसे थोड़ी डिफरेंट है और मैं बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है बीबा का है। बहुत स्ट्रॉन्ग है बहुत पैशनेट है बड़ा एम्बिशियस है कि काम करना चाहती है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों फिल्मों में डांसर का रोल है तो आपका कोई है शौक डांस का या परफॉर्मिंग आर्ट्स का या आप रियल लाइफ में क्या करती हैं क्या आपका था? ट्रांजिशन क्या था रियल लाइफ से स्क्रीन तक का आ, बिल्कुल जैसे डार्लिंग में आपने पूछा है हाँ। डांस डांस करते हुए देखा और जॉयलैंड में भी बट जी बिल्कुल रियल लाइफ में भी मैं अगर देखूं शोबिस में आने से पहले तो मैं शोबिस से आने से पहले मैं फंक्शंस वगैरह ही करती थी मैं बहुत अच्छी डांसर हूँ मैं हर तरह के पंजाबी मुजरा कथक क्लासिकल इंडियन हिप हॉप में ये गेम जानती थी तो मैं पहले यही गेम डांस वगैरह करती थी अपना रोजमर्रा की जरूरत पूरी करने के लिए क्योंकि पता है पाकिस्तान में तो बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं डांस के लिए और बहुत कम ट्रांस को मेन स्ट्रीम में दिखाया जाता है तो मैं खुश हूँ कि मैं इस ज्वाइलेंट मूवी का पार्ट बनी हूँ और आज मैं आप सबके सामने हूँ आपको साइब मिले कैसे

आपको बुलाना चाहते हैं अगर क्या आप इंटरेस्टेड हो इसमें तो मैंने कहा क्यों मुझे था कि एक नई चीज है जिंदगी में करने के लिए हुँ. क्योंकि मैं जब घर से निकली तो मैंने डांस का ही रास्ता अख्तियार किया और वहीं से मैं अपनी जरूरियात पूरी करती थी क्योंकि रैट. आपको पता जब आप निकलते तो तलीम या कोई और चीज़ आपके लिए जरूरी नहीं होती बिल्कुल. आपको पैसे कमाने पड़ते हैं अपने लिए अपने रहन सहन के लिए अपने खाने पीने के लिए तो इस तरह की मसूर्खियात थी कि मैं अपना जरूरिया जो थी वो डांस से ही पूरा करती थी पर ये था कि साइम जी ने मुझे ऑफर करवाई कि आप डार्लिंग करोगी तो मैंने कहा जी जरूर क्यों नहीं बट जो मेरी ट्रांस से थी वो मुझे कहती कि नहीं रहने दो ये सोलह सतराह मिनट की वीडियो है और बाद में तुम फंक्शंस ही करोगी तो छोड़ो आओ अपने मसंग के जो फंक्शंस करती हो तुम तरह तुम्हें लोग प्रोपरली फंक्शंस दे रहे हो तुम्हें हाँ अपना वक्त ना जाया करो तो तुम इन दिनों में शूट्स पे होगी तो फिर जो लोग तुम्हें तुम्हारी डिमांड करते तुम्हें बुलाते हैं तो वो उस तरह से तुम्हें नहीं बुलाएंगे अलबत् मुझे था कि नहीं ये एक अच्छी चीज है अगर मैं इसको अच्छे तरीके से कर पाऊंगी तो शायद ये मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी और कम्युनिटी के लिए भी रस्ते खोल सकती है या लोगों के लिए एक अवेयरनेस छोटी सी आ सकती है कि हम भी उनके मुआरे का हिस्सा हैं उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं सना जाफरी जी थी उन्होंने मुझे एन जी ओ का दायरा है तो सूफी कलाम पे और वहाँ पे सना जी मुझे मिली थी उन्होंने तो जाफरी जो है हमारी कास्टिंग डायरेक्टर उन्होंने फिर साइम जी से मेरा इंट्रोडक्शन करवाया और फिर ट्रेन चली और ठीक है मैंने डार्लिंग की पहली और फिर उसके बाद जॉयलैंड का जो है हमारे मुल्क में और उनकी जिंदगी मुश्किल होती है आसानियाँ तो पैदा नहीं हुई कि एक ट्वेंटी में बिल पास हुआ है फिर भी लेकिन क्योंकि पर्दे के आगे नहीं होते और नजर नहीं ज्यादा आते खास तौर पर फिल्मों में टेलीविजन पे तो छुपे ढके रहते हैं तो आपको कभी डर था कि अगर मैं आ गई आगे कैमरा के आगे आ गई और मैं एक स्टार बन गई तो मुझे मेरी जिंदगी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी या आसानियों की उम्मीद थी अगर मसले मिसाइल की बात की जाए ट्रांस के ऊपर तो मसले सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है पूरे साउथ एशिया में अगर आप विजिट करें तो इंडिया हर जगह बांग्लादेश ट्रांस को आ, काफी मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है उनके लिए जॉब्स नहीं है उनको मेन स्ट्रीम में नहीं दिखाया जाता अगर दिखाते हैं तो बॉय करते हैं या फीमेल्स करती हैं तो बहुत कम तो मौका मिलता है कि हम आए। और ये पाकिस्तान में शायद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो ट्रांस करेक्टर है एक फीचर मूवी में या एक एक मूवी में तो एक ट्रांस ही प्ले कर रही है और जो दूसरे करेक्टर्स भी हैं जो मेरे साथ मेरा गुरु कल्चर दिखाया गया है मूवी के अंदर वो भी सब ट्रांस है तो मैंने ये नहीं था सोचा कि मेरे लिए आसान होगा या मुश्किल होगा आने वाले टाइम में बट मैंने किया अगर मैं रियल में बात करूं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि शायद मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आपको पता है ट्रांस कम्युनिटी को उस तरह से सपोर्ट नहीं होती ना फैमिली की ना मुआशे की ना उनकी स्टडीज उस तरह से बेहतर होती हैं कि वो एक नॉर्मल बीन ह्यूमन इंसान की तरह जिंदगी गुजारें तो जब मैंने काम किया मुझे था कि ठीक है मुश्किल हैं पर जब मैं इन हुई क्योंकि मुझे मार का नहीं था पता डायलॉग्स क्या होते हैं कैमरे में आप किस तरह बात करते हैं हर चीज छोटी मोटी जो थी, जो थी मुझे नहीं थी पता बट डार्लिंग के सफर से जॉयलैंड तक मैंने उन सब चीजों को क्लियर किया और अभी भी काफी चीजें ऐसी हैं जो मुझे समझ नहीं आती पर मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे सीखू और करूं करने का मेरा बेसिकली मकसद ये है अगर मैं करूंगी तो लोगों को शायद इस चीज की अवेयरनेस होगी कि हम बैगिंग या सेक्स या दूसरी जो फजूल चीजें जो लोगों ने हमें स्टिग्मा दिया हुआ है बेसिकली हम तो बेहतर कुछ करना चाहते हैं जिंदगी पर जो लोगों का स्टिग्मा हमारे ऊपर है कि जस्ट यही चीजें कर सकते हैं तो मुझे था कि मैं शायद इन चीजों को चेंज कर पाऊं क्योंकि जब मैं घर से निकली थी शुरू में बचपन में तब मेरी फैमिली का भी यही नज़रिया था मुझे देखने का उनको था कि अगर भड़ी होगी तो ये कहीं बैगिंग कर रही होगी कहीं रोड पे खड़ी होगी या फंक्शंस कर रही होगी हमारा खानदान में नाम डुबाएगी ये है वो जिन्होंने घर से निकाल दिया जब मैं घर से निकली तब मेरा एक गोल था जब मैं निकली घर से मैंने कहा था कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करूंगी या मैं अपने आप को किसी अच्छे प्लेटफॉर्म में देखूंगी वो चाहे मैं परफॉर्मेंस कर रही हूँ डांस या मैं एक्टिंग कर रही हूँ पर मुझे था कि मैं अपने को अच्छे लेवल पे देखना चाहूंगी सिर्फ इसलिए ताकि मैं अपनी फैमिली को बता सकूं कि अगर मैं ट्रांस हूं तो लाजमी नहीं कि हम बैगिंग ही कर सकते हैं या हम डांस या हम सेक्स इस तरह का कुछ कर सकते हैं नहीं अगर आप की स्पोर्ट हो माशे की स्पोर्ट हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं एक नॉर्मल इंसान की तरह ना तो मेरा बेसिकली जो मकसद था वो यही था कि मैं लोगों को बता सकूं कि हम आम, आम लोगों की तरह काम कर सकते हैं आपके भी साथ भी तो मुझे लगता है कि मैं डार्लिंग और जॉयलैंड के बाद काफी हद तक इस चीज़ में कामयाब हुई लोगों के सामने आई और क्योंकि जब मैं फंक्शंस करती थी तब मुझे सिर्फ वो चंद लोग जानते थे जिनके आगे मैं परफॉर्मेंस करती थी वो मुझे मेरे डांस से समझ लें मुझे जानते थे या मेरे आर्ट से जानते थे वो एक अलग चीज थी पर जब मैं डार्लिंग मैंने की मैंने जॉयलैंड किया और इस सफर में मैंने बहुत सी चीजें सीखी बहुत से सी लोगों के साथ मैंने काम किया मुझे बहुत कुछ पर्सनली समझने को और सीखने को मौका मिला ना तो आ, मुझे लगता है कि आ, डांस फंक्शंस की नस्बत अगर मैं डार्लिंग और मैंने ये जॉयलैंड मूवी की इंडस्ट्री में हूँ तो दोनों में बहुत फ़र्क है इंडस्ट्री में जब मैंने काम किया तो काफ़ी लोगों ने देखा इंटरनेशनल लेवल पे भी लोगों ने सराहा इज्जत दी हालांकि जब मैं फंक्शंस करती थी तो सब तो वही लोग जानते थे जिनके परफॉर्मेंस करते थे कुछ अच्छे होते थे कुछ बहुत बुरा ट्रीट करते थे बट तब मेरे पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं थी नहीं। तो अब ये है और इन मैं इसको लेके चलूंगी और अपनी ट्रांस कम्युनिटी के लिए भी रस्ते बनाऊंगीम बिल्कुल, बिल्कुल।, बिल्कुल फिल्म की खूबसूरती ये है अलिना कि लोगों का गो के ख्याल है कि ये एक ट्रांस गर्ल की सिर्फ कहानी है ऐसा नहीं है जी नहीं ऐसा नहीं है और फिल्म में ट्रांस गर्ल भी बाकी इंसानों की तरह एक कैरेक्टर है जिसके मसाइल हैं जिसकी इमोशंस हैं आपने कनेक्ट किया इस कैरेक्टर से किसी हद तक तो uh, मतलब अगर मैं उसको बात उसकी की तो मुझे लगा कि शायद बेशक उसकी स्ट्रगल डिफरेंट थी और मेरी लाइफ की स्ट्रगल डिफरेंट थी पर मुझे स्ट्रगल में थोड़ा सा लगा कि वो भी इतना एक मेहनती पर्सन है ना वो भी एक मेहनती बंदी है जो शायद लोगों को कुछ बताना चाहती है या कुछ करके दिखाना चाहती है थोड़ा सा मुझे मैचअप लगा ज़्यादातर अगर आप कह रही है, कि सिर्फ ट्रांस नहीं है। और यही सबसे अच्छी बात थी मुझे लगी कि हमें सिर्फ एज अ ट्रांस बेचारा या पिसा हुआ या के तौर पर पे नहीं दिखाया गया हमें लोगों की कहानी का हिस्सा बनाया गया राना फैमिली जो हमारे ज्वाइलैंड में दिखाई गई है जिसमें बाकी सब लोग भी हैं सीनियर्स तो उसमें मुझे पर्सनली ये एक अच्छा लगा कि अलग से नहीं क्योंकि शुरू से हम अलग से हैं हमें था कि हम लोगों में जगह बनाए और मुझे लगता है कि अब वो चीजें वैसा होनी शुरू हो गई कि हम भी लोगों की कहानी का हिस्सा हैं क्योंकि तो हम शुरू से लोगों के साथ रह रहे हैं आपको हम हर जगह नजर आते होंगे तो शुरू से हम पर उस तरह से दिखाते नहीं थे हमें हमें अलग से दिखाया जाता था तो एक ये भी वो एक बहुत प्लस पॉइंट था मेरे लिए कि मैं लोगों की कहानी का हिस्सा बन पाईंगी और जो जो लव स्टोरी है अभी बाकी के साथ मुमकिन है ऐसा रियल लाइफ में आपको लगता है आ, जी आप उसे लव स्टोरी शायद नहीं कह सकते नहीं कह सकते जी क्योंकि अगर देखा जाए डीबा का जो करेक्टर है वो एक थिएटर में डांसर है और जो हैदर है वो बाकी बैक डांसर्स के साथ आता है वो ऑडिशन देता है और बाकी वो रखा उसके साथ एज अ डांसर के तौर पे दिखाया गया है बीबा के बट उनके साथ मेरा पर्सनली लव नहीं आप कह सकते वो आप इस तरह कह सकते हैं कि अगर आप किसी ग्रुप में काम कर रहे हैं ग्रुप के साथ तो कुछ एक दो लोग होते हैं जो आपके बहुत करीब हो जाते हैं आपको है। उनकी आदत पसंद आ जाती है वो आपको से, आ, सेफ्टी देते हैं आपकी केयर करते करते हैं आपको करते हैं आपको सपोर्ट तो मेरा जो का रिलेशन था वो कुछ हद तक इस तरह का था कि मुझे उनको देख के दिली तौर पर एक चाहत उनसे होना शुरू होगी थी कि शायद ये इंसान मुझे समझेगा ये मुझे सपोर्ट करेगा ये मेरी कुछ जगहों पर मेरा साथ देगा क्योंकि ट्रांस बेसिकली अगर देखा जाए तो मैंने आपको पहले भी बताया कि नान

या वो जो खातून जो खा, खाला होती हैं जो है उन सबकी कहानी ऐसी है कि जो वो चाह रही हैं रिलेशनशिप से या रिश्तों से वो नहीं मिल रहा उनको जी बिल्कुल तो वो जो कमी आती है जिंदगी में उसके बारे में तो मैं बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई हुई है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है बात करके फिल्म के बारे में सो मच सारी बातें आपको पसंद इसलिए आ रही है क्योंकि इसमें सिर्फ एक्ट्रेस की मेहनत नहीं है इसमें सब ग्रुप्स की पूरी टीम की डायरेक्टर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन जो बाकी कास्ट बाकी थे सबकी मेहनत थी

मुझे लगता है कि अभी मुझे और लिखना चाहिए पहली दफ़ा आप गए कैंस फिल्म फेस्टिवल पहला फेस्टिवल था ना जिसपे जो जॉयलैंड की डेब्यू स्क्रीनिंग हुई थी वो चली फिल्म उस पर लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया उसके बाद आ, कुछ ऐसा चर्चा बना फिल्म का आपके लिए कैसा था वो मोमेंट एक्सपीरियंस कैसा था आ, पहले तो मुझे नहीं था पता कि फेस्टिवल क्या है क्या क्या होता है या किस तरह से चीजें चलती हैं उस फेस्टिवल में जी ने तो जैसे कॉल बंद हुई में अपने घर गूगल करना शुरू कर दिया यूट्यूब और मुझे हाँ। उसमें से कुछ तस्वीरें नजर आई की क्रिकेट और लोग चल रहे हैं और इर्द गिर्द कैमरे वाले मीडिया वाले उनको कवरेज दे रहे हैं सारी तो नर्वस थी बट मुझे यकीन भी नहीं था कि मैं कह जा रही हूँ मैं फ्रांस जा रही हूँ मैंने पहले कभी अपने पाकिस्तान कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में सफर नहीं था किया क्योंकि मुझे सुनने में आता था कि हमारे ट्रांस कम्युनिटी को बड़े मसले होते हैं एयरपोर्ट्स में जाने के लिए इधर उधर मुझे भी एक दो जगहों में मसले हुए हैं हमारे पाकिस्तानी बट मुझे था कि हम तो अपने अपने अपनी मूवी को प्रेजेंट करने जा रहे थे अपने पाकिस्तान को प्रेजेंट करने के लिए जा रहे थे अपनी ट्रांस कम्युनिटी को प्रेजेंट करने के लिए जा रही थी जहां पे इतनी चीजें होना ना छोटे छोटे मसले कुछ नहीं देते आपको तो आ, पर ये था कि हमारा वीजा लगा टिकट्स हुई हम वहां पहुंचे और जब हम कैन फेस्टिवल में जो हमारा पहला दिन था से तो फिर मुझे समझ आई कि वाकई ही मैं कैन फेस्टिवल में और इतने, लोग हैं, और हाँ। इत, इतने हैं और जब मैं वहां पे गई तो थोड़ी सी कंफ्यूज थी नर्वस थी मैं बट वहाँ पे लोगों ने जिस तरह से हमें वेलकम किया अप्रीशियेट किया और हमारा हौसला अफजाई की और मुझे जहाँ पे महसूस हुआ कि ज्यादातर वहां पे जेंडर फोबिया बिल्कुल नहीं था लोग वहां पे सिर्फ आपके टैलेंट के बेस पे आपको जहाँ

एक अपना काम को जो हमने इतनी मेहनत की इतनी स्ट्रगल की और सबके साथ और सबकी परफॉर्मेंस सब, सब like, इतने अच्छे एक्टर्स थे तो बस देख के आपने देखा होगा कि रो हो रहे थे हाँ, उसके खुशी के आंसू थे एक जी बिल्कुल वो टाइम था जी बिल्कुल वही खुशी के आंसू थे कि जी हम सब ने मेहनत की और आज वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म में चली है और लोग उसको सराह रहे हैं और हम अपने पाकिस्तान को प्रेजेंट करने में कामयाब हुए कुछ कुछ चीजें थी जो थोड़ी सी लोगों ने बनाया कपड़े क्या पहनेंगे वो बट ये था कि हमारा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना हमारे लिए वहां पे जाना भिल्कुल, पहुंचना अपने आप को प्रेजेंट करना ही भिल्कुल। भिल्कुल। बहुत बड़ी बात थी कि ना कि हम सोचते हम पहन क्या रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं बाल क्या कर रहे हैं वो नहीं फर्क पड़ता मेन गोल था कि हम अपने पाकिस्तान को अपनी मूवी को प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं तो हमारा मेन चीज वो थी, बट बहुत अच्छा रहा कैन के बाद हम फिर मेलबर्न गए हाँ, तो, लोगों ने बहुत ज्यादा और यहाँ तक के बुजुर्ग लोग थे जो मैसे न्यू जनरेशन थी न्यू लोग थे जो न्यू यूथ ने इस चीज को बहुत पसंद किया और अप्रिशिएट किया और मुझे खुशी है कि जब ये पाकिस्तान में चलेगी तो लोगों को शायद कुछ कुछ लोग हैं जिनके जमे में बहुत सी बातें होंगी इस मूवी को लेके और तो मुझे लगता है कि जब वो देखेंगे तो वो जरूर खुश होंगे कि हमारे पाकिस्तान में भी इतना टैलेंट है या इतने लोग हैं जो काम करना जानते हैं मीडिया इंडस्ट्री में तो मैं बहुत खुश हूँ थैंक यू यूं अली ना ज्वेलन से पहले और बाद आपकी जिंदगी में और करियर में क्या फर्क आएगा आपको क्या लगता है आपको ऑफर्स आ रही है कोई और उम्मीद है ऑफर्स आएंगी या बाहर से कोई आपको अप्रोच किया जा रहा है कोई फर्क आएगा uh, जी अगर मैं बात करूं पहले की तो डार्लिंग के बाद और अब के सफर में काफी मुझे छोटी मोटी ऑफर्स आई पर कई जगहों पे मेरे जेंडर की वजह से मुझे रिफ्यूज किया गया कि ओ हमारे तो यहाँ पे कोई वो आ, क्या उसे कहते हैं ट्रांस स्कुण के स्कुण लिए हाँ ट्रांस के लिए तो कैसे स्कोप नहीं है सॉरी हम इन इनका बताइए वो बट अब जब जॉयलैंड मैंने फीचर मूवी की बिग स्क्रीन में ढाई घंटे की मूवी प्रॉपरली तो अब जो चेंजिंग मुझे लगता है कि कि वो काफी हद तक ये डार्लिंग की थी तो लोगों से शायद इतना नहीं था उसका आइडिया हुआ कि कोई डार्लिंग इटली विनस में साउथ बाय साउथ में विन हुई है तो अब जो आईलैंड जब उसका प्रमोशन स्टार्ट हुआ डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स में गए लोगों ने देखा पसंद किया मीडिया वगैरह आप सबका साथ तो अब ये है कि अब जो मेरा वक्त है वो शायद डिफरेंट है काफी हद तक आ, मुझे इंटरनेशनली आ, कुछ प्रोजेक्ट्स की ऑफर भी आई है हैं। और मुझे मैं इनशाला उस पर करूंगी कि दोबारा फिर मैं आपको नजर आऊंगी आप सबकी दुआओं के साथ बिल्कुल आपको क्या ख्याल है लेना ले का सबसे जरूरी मैसेज क्या है लोगों के लिए कि जब लोग देखने जाए तो क्या दिमाग लेके जाए मैं यही कहूंगी कि अगर वो देखने जाएं पहली बात तो मैं कहूंगी जरूर देखने जाए <laughs> जरूर देखने जाएं और जब वो देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जो मसले मसाइल दिबा को हैं जो मसले मसायल हैदर को हैं या जो दिखाई गई हैं चीजें वो आम लोगों से डिफरेंट है काफी चीजें ऐसी हैं जो हम अपनी आम टीन में इर्द गिर्द लोगों में वो चीजें देखते हैं पर उनमें बात नहीं कर पाते उस तरह से तो मुझे है कि जब लोग आएंगे देखेंगे तो वो काफी कुछ समझेंगे या उनको काफी ऐसी चीजें होंगी जो वो आ, समझ पाएंगे एज द हमारे करेक्टर के थ्रू जो मैं प्ले कर रही हूँ जो बाकी करैक्टर प्ले कर रहे हैं तो क्योंकि हर करेक्टर में हर किसी की एक अपनी स्टोरी है क्योंकि इसमें सिर्फ मेन मैं नहीं हूँ इसमें मेन और भी पर्सन हैं हर किसी की एक डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी है हैदर की बात करें आप आपलुच्ची की बात करें तो हर कोई अपने अपने करैक्टर को डिफरेंट तरीके से ना प्ले कर रहा है और हर किसी की डिफरेंट स्टोरी है तो मुझे उम्मीद है कि जब लोग आएंगे तो वो काफ़ी लोग हम सब में से किसी न किसी की स्टोरी को अपने साथ मैच कर पाएंगे और वो समझेंगे कि ये चीज़ें होती हैं में है उससे बात नहीं कर पाते तो मुझे उम्मीद है कि जब देखेंगे तो बहुत अच्छा, हो बहुत अच्छा। रिव्यू होगा फिल्में बनती हैं लेकिन आपने वो फिल्म देखी चंडीगढ़ करे आश की वो भी एक ट्रांस गर्ल की कहानी है जी बिल्कुल देखी आपने जी बिल्कुल देखी कैसी लगी आपको आ, अच्छी भी थी और नहीं भी थी क्या था उसमें अच्छा क्या था और बुरा क्या था अच्छा ये था कि एक ट्रांस की एक लाइफ के बारे में उसमें बात की गई थी उसकी स्टोरी को दिखाया गया था उसकी चाहत या एक प्यार को भी दिखाया गया था साथ बट ये था कि जो नेगेटिव चीज़ थी मुझे लगी वो ये थी कि उन्होंने वानिक कपूर जी ने एक्टिंग ठीक है बट मुझे पर्सनली फील होता है ऐसा कि वो करेक्टर अगर हमारी कोई ट्रांस बंदी करती तो वो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से हाँ। दिखा पाती है अपने करेक्टर को अपने जेंडर को जो वो महसूस करती है जो वो फील करती है जो उसका दर्द है अंदर या जो वो महसूस करती है उन चीजों को वो शायद ज्यादा अच्छे तरीके से दिखा पाती वानिक जी अच्छी एक्टर हैं बट मुझे लगता है कि जो हमारी फीलिंग्स हैं वो हम बेहतर जानते हैं जो आपकी हैं वो आप बेहतर जानती है आपका करैक्टर हम नहीं कर सकते एज अ फीमेल और या किसी मेल का करैक्टर हम नहीं कर सकते

सभी सभी थे सभी अच्छे थे मैं किसका को कोई किसका एक नहीं है। सभी मैंने आपको पहले बताया कि सभी एक्ट्रेस ने अपनी जॉब को बहुत अच्छे तरीके से निभाया और यही वजह थी कि शायद हम एक दूसरों से बहुत कुछ सीख रहे थे समझ रहे थे देख रहे थे कि अगला क्या आपको पावर दे रहा है और आप उसको क्या पावर देनी है तो वो तो माशाल्लाह सभी सीनियर्स थे। आप उनसे एक्सेप्टेंस <laughs> <थे। laughs> की बात कर रहे हैं उम्मीद है कि लोगों के दिमाग खुलेंगे फिल्म देखने के बाद एक्सेप्टेंस भी आएगी इनशाला आपने कहा कि ऑफर्स भी हैं और इंशाल्लाह आपका करियर भी आगे जाएगा और मुझे उम्मीद है कि जो फिल्में लिख रहे हैं वो भी ट्रांस लोगों को एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स इंटीग्रेट करें फिल्मों में ऐसे नहीं करें कि ट्रांस सिर्फ पे फोकस हो या एक टैबू बन के फोकस हो उनको नॉर्मल इंसानों की तरह इन्वॉल्व uh, करें इन स्क्रिप्ट्स में आपकी फैमिली के बिहेवियर में कोई फर्क आया जो के बाद अजीब बहुत ज्यादा आया बहुत ज्यादा फर्क डार्लिंग में भी था फर्क पर उस तरह से नहीं था बट चॉइलैंड की दफा

रोशन किया बिल्कुल <laughs> वैसे उनका मैंने रोशन किया मैंने कुछ गलत नहीं किया तो नहीं। वो खुश हैं कि अगर हमसे साइड पर अक्सर मेरे पेरेंट्स वगैरह मुझसे बात करते हैं तो वो मुझे कहते हैं कि हाँ अगर हम पहले आपको समझते या आपको हम टाइम देते तो शायद आप इससे बेहतर कर पाते बट अभी भी मुझे लगता है कि सब उन्हीं की दुआओं की वजह से है उनकी सपोर्ट की वजह से है कहीं ना कहीं माँ तो आपको पता है कि रिश्ता ऐसा तो कई दुआएं ऐसी होती हैं जो आपको जिंदगी में आपको आगे बढ़ने के लिए साथ देती हैं, साथ देती हैं। सही बात है और हम थैंकफुल हैं सायम के जिन्होंने ये जी दे कहानी दे लिखी दे दे और उन्होंने मौका दिया कि इतने सारे कैरेक्टर्स को इकट्ठे ला के

मजीद चलनी चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस हो क्योंकि अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जहाँ पे दो लोग हमें सपोर्ट करते हैं वहाँ तो पे चार लोग हमें खींचते भी हैं काफी लोग ऐसे जो हमें बुरे नजरिए से देखते हैं उनका रिएक्ट ये होता है कि अगर ये ट्रांस हैं इनको फैमिली सपोर्ट नहीं इनको का सपोर्ट नहीं तो ये हमारी मलकियत है हम जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं तो ऐसी चीज़ें बनेंगी तो लोगों को काफ़ी हद तक अवेयरनेस होगी कि हम एक नॉर्मल ह्यूमन है और नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं और हम में भी वो सभी टैलेंट हैं

जो कि ऑब्वियसली आप फिल्म देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि कितना इम्पॉर्टेंट रोल है इनका फिल्म में बट एज एक्टर्स मुझे लगता है कि इनका इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनने वाला है हमारे साथ हैं रास्ती फारूक और अली जनेजो बहुत पिपिटल कैरेक्टर्स इन द फिल्म एंड ऑफकोर्स पीपल सीन द फिल्म यट सो दे डोंट देो वट आर अबाउट बट देव सीन द ट्रेलर एंड यू प्ले हजबैंड एंड वाइफ इन द फिल्म एंड In a very dysfunctional and very disgruntled family. Dysfunctional and disgruntled. <laughs> disgruntled, हाँ है ना disgruntled <laughs> ha, ha. dysfunctional family. Yeah. तो ज़्यादातर families यही होती हैं मुझे लगता है. Exactly, words, yeah. exactly यही बात है, यही yeah. बात है. हमें लगता है जैसे कि ये कोई बहुत exceptional story है, exceptional individuals की, लेकिन असल में ये हर इंसान की कहानी है. Yeah. जो कि मुझे सबसे बड़ी खूबसूरती जॉयलैंड की ये लगी रिएक्शन I, I um, mm -hmm. uh, यही था जब हमने खूबसूरत है परली लवली वे इन दैट के जितने भी कैरेक्टर्स हैं जिस तरह से वो बात करते हैं जिस तरह से आप उनके घर में जब उनके साथ होते हो जिस तरह से वो खाना खाते हैं एक दूसरे से लड़ते हैं एक दूसरे से उनकी दोस्ती जिस तरह की है या प्यार है आपस में इट्स इट्स एवरी डे इट्स हमारे इर्गिर्द जिस तरह से लोग होते हैं बिहेव करते हैं आपस में um, भाई हों भी भी हो hmm. बाप और बेटी का ताल्लुक हो वो हमारे गिद की कहानियां hmm. जो किसी ने खूबसूरत से से के अंदर लिख दिया टेलिंग कोई हर फिल्म या हर कहानी जो बताई जाए उसका एक मॉरल लेसन हो लेकिन अल्टीमेटली हर आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट का कोई ना कोई अंडरलाइन मैसेज होता है या अगर मैसेज नहीं होता तो ये होता है कि कोई ना कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्टर होता है और उम्मीद ही होती है कि आर्टिस्ट जो काम कर रहा है उस पर गुफ्तु -गु की जाए आप लोगों का क्या ख्याल है अभी आपसे कहूँगी कि जब आपने साइन की जॉयलैंड जो फिल्म है वो क्या कॉन्वर्सेशन शुरू करेगी आई थिंक इस फिल्म में सबसे आम चीज़ तो यह है कि स्क्रिप्ट पढ़ते ही एहसास हो गया था कि फिल्म की ते बहुत मजबूत है hmm. और उसका मतलब यह है कि अगर कोई डायलॉग उससे स्टार्ट हो या ना हो ऐटलीस्ट hmm. उससे एक चीज ये है कि आपको मौका ये मिलता है कि आप अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं या देख सकते हैं लुकिंग इन द मिरर लिटिल बिट आई थिंक कुछ चीजें जो हम अपने आप से चाहते हैं या कुछ चीजें जो हम कुछ सवाल हैं जो हम अपने आप से पूछना चाहते हैं और नहीं पूछ पाते इनफैक्ट hmm. एक दूसरे से पूछते रहते हैं आई थिंक इस फिल्म एक हद तक उसका ये भी कह सकते हैं कि वो आपको फाइनली एक मौका मिलता है उन दो घंटे छः मिनट में हुँ. कि आप अपने आप को देख के पूछ सकते हैं कि यार मैं अपने आप से क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ आई थिंक सबसे अहम उसकी शायद यही बात है uh, कि इस चीज़ पे बात होनी चाहिए कि आप अपने आप से क्या चाहते हैं right. किस किस्म की सच्चाई आपकी है right. आपकी जड़ कहाँ है आप क्या चाहते हैं

Like you said, it's it's um, it's a snapshot. Our mm -hmm. our uh, societies mm -hmm. our mm -hmm. um, And so it, the film just allows you a moment to think about that. if you are you and why to think about that. कुछ चीज़ें इम्पोज की हुई हैं कुछ एक्सपेक्टेशंस अपने घर के अर्घर बिल्ड की हुई हैं कि इस घर की औरतें ऐसी होंगी बेटे ऐसे होंगे काम ऐसे करेंगे नहीं करेंगे hmm. तो उसके पीछे आपकी सोच क्या है और क्यों है ये क्या hmm. आपका आपके दिल से आवाज़ आ रही है या आपको लग रहा है कि बस हर कोई ऐसा है तो बस ऐसे ही होना चाहिए सिमिलरली hmm. um, अगर ख़वात हैं जो कि ऑफिसी हैं इस फिल्म में भी हैं वैसे भी हैं अगर वो कुछ अपनी जिंदगी के साथ करना चाहती हैं तो उस पर जिसपे किस वो करना चाह रही हैं तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए मतलब वो उसको मौका देना चाहिए एंड टाइम्स आई थिंक वन ऑफ भी है प्यार भी है अबाउट um, दिस अगर अगर किसी को भी जरूरत होती है ना कि फैमिली से थोड़ा सा उसकी बैक रखनी है या mm -hmm. कोई उसके लिए um Support, hai, no, kar rahe hain kar rahe. Ke And they they're existing just fine. But it's when things from the outside intervene is when we must develop. So mm -hmm. I feel like we when we we seem to think it's a cheese without mm -hmm. really thinking about it, why it's a not It's maybe it's just a bias that we have. Um, and we, we start intervening in things, so we, we shouldn't do that. So I think it's not that the tendencies are as, as a society. Mm -hmm. It's just the film just shows you snapshots of what are the tendencies and what are mm -hmm. um, And it just allows you to think about those things. Mm -hmm. So, yeah. I think strong cheese very strong thing, film because it's very strong in television dramas, even in movies.

Or it's the uh, khala jan who's making khir next door, or it's the married couples, yeah. or it's the extramarital yeah. affair. Sabka yeah. hai, kush na kush aisa. Did you feel that was very brave when you read the script, or were you like, oh, thank God, because you're theatre actors primarily yes. and you're used to brave performances? I think both only thing. Uh there was a sense of finally, a Pakistani kahani pyar ko us tarah se examine kar rahi hai aur uske bare mein uske because i think i don't know why for some reason humein pyar se itna darr lagta hai as a as a nation um jaisa hamari baat ki we like to tell stories of how pyar poison ho raha hai ya corrupt ho raha hai, yeah. ya, ra hai, ho ra hai. Um, we don't allow ourselves to just enjoy mm. um, whether that's laughter or merriment ya khushi ya like pyar right mm. so i thought in this film

you know, coming to life was theater and then he finds Biba as well so it's just well all the different types of love that exist uh, and the various levels of tenderness and acceptance and understanding i, I, I think finally there's a Pakistani mm -hmm. film that is that is taking you there um, so and obviously like Torasa I guess trepidation bhi आरे नहीं, पर <laughs> <laughs> नहीं जाते पर I don't know. बच्चों को नहीं बताते हमें नहीं करते हमारी जिंदगी में बेशक आप लड़का हो लड़की हो बुढ़े हो छोटे हो uh, प्यार होना चाहिए और बहुत अहम है और अगर नहीं है तो कुछ गलत है इसके अंदर yeah. उसको ठीक करना चाहिए um, so मुझे था बिकॉज आई वॉज लाइक लोग दिस Hmm. so hmm. I think you hit the nail on the head by using the word tender hmm. it's a tender love story you know हरे की बड़ी tender कहानी है Heather is such an impressive character आपको देखके लगता है कि यार ये बंदा go में बिल्कुल अपनी दुनिया में but he's somebody you want to have as a friend and it's a really complex character hmm. कि वो दोस्त भी है बीबी के साथ भी sincere है लेकिन मोहब्बत भी कहीं और उसने की है Or, uski tolerance ka, wo bhi bhaat scale, bhaat vast hai. How tough was that to, character to uh, play? Fairly, tough. Fairly, fairly, fairly tough. <laughs> yeah, and you you auditioned for it. I did. Yes. I did audition for yeah. it. Um, and I believe you were the last audition. I, I, that's probably why I got it. Right? <laughs> <laughs> Ran out of people. <laughs> right. Um, um, yeah, yeah, last one. And I think or आई uh, थिंक एक एक चीज साइम से मिलकर ये हो गया था पहली ही मुलाकात में एक तो डिस्कशन भी हमारी हुई थी किरदार के बारे में फिल्म के बारे में और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ था हुँ. तो तब तक क्यूरियोसिटी वाज ड्राइविंग मी मैन मुझे ज्यादा चाहिए था मुझे. <laughs> um, तो उससे बात करके मुझे यही लगा कि हम आपस में डिस्कशन कर पाएंगे साइम और मैं बात कर पाएंगे किरदार के बारे में ये क्यों कर रहा है क्या कर रहा है क्यों सोच रहा है क्या सोच रहा है कहाँ से ये आ रहा है आई थिंक ये चीजें अगर उसकी फाउंडेशन हमारे पास है तो वहाँ से हम कुछ बिल्ड कर पाएंगे जो कि सायम के से बात पहले ही बात करते ही ये महसूस हो गया था डायरेक्टली कि हम बात कर पाएंगे इन चीज़ों के बारे में तो मुझे पता था कि डेवलपमेंट होती रहेगी उसके बाद आई थिंक हमने तीन चार महीने तो सिर्फ डिस्कशंस की हैं स्क्रिप्ट पढ़ाए डिस्कशंस की हैं स्क्रिप्ट पढ़ाए उसके फिर वहां से काम ने शुरू किया था हैदर hmm. <coughs> उसका रिलेशनशिप जो रिश्ता है अपने वालिद के साथ आई hmm. थिंक जड़ वहां से कहीं से उसकी हमने ढूंढी थी शायद लेकिन उसमें आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात शायद ये थी कि इट वाज उस रिलेशनशिप में इंटिमिडेशन थी hmm. ऑफ ये सारी चीज़ें थी लेकिन एक रहम भी था बाप की तरफ बिकॉज वो जिस सिचुएशन में है उसकी वजह से और बहुत आसान होता है एक फिल्म देखकर या कोई स्टोरी पढ़ के कि हम कहें कि ये विलन है और इसी की वजह से ये सब बिल्कुल, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट तो बहुत इजी हो जाता है बहुत इजी हो जाता है जो कि नहीं था इसमें बिल्कुल भी नहीं था तो वहीं से मुझे लगा कि यार ये तो फिर बहुत काम करना पड़ेगा इस बहुत सोचना <laughs> पड़ेगा बहुत हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी बट आई लव द चैलेंज तो आई थिंक आई थिंक फाइंडिंग वो कहाँ पे जेंटल है और क्यों है और किस सिचुएशन में वो कुछ कहेगा या नहीं कहेगा ज्यादातर तो नहीं कहता कुछ बट एट द सेम टाइम उसको अर्नेस्टली करना ताकि वो भी खुद विलन ना बन जाए नो वरना बहुत आसान बात हो जाती है कि अच्छा ये इस रिलेशनशिप में है और शायद इस रिलेशनशिप में है और फिर दोस्त भी है लेकिन शायद नहीं भी है किसके साथ सच्चा है किसके साथ नहीं है जो फैक्ट बिल्कुल बट टूर जेंट्र मोर ह्यूमन से हमने कोशिश की थी इसको हैदर को ढूंढने की मेरे ख्याल किसी भी कैरेक्टर को नहीं किया गया और ना ही इतना किया गया कि आप कहें कि ये है या वाइट है सब कैरेक्टर्स के बड़ा ह्यूमन एक रेंज है मुझे अच्छी बात ये लगी फिल्म की कि ये ये एक अच्छी फैमिली है मतलब इसमें लोग अच्छे हैं जो बड़े भाई बीवी भी, भी, भी हैं तो अच्छे थी, लोग हैं, हैं। मतलब कोई खास मसला तो नहीं है सब तो ठीक ही हैं मुझे <laughs> तो भी खुद पे भी खुश नहीं है अरे एक और जो मुझे बड़ी मजे की बात लगती है इट्स पूरी फैमिली के बारे में इसके सब इतने धसे हुए इन दिस दे right? mm -hmm. they थिंक उनको प्रिजर्व करने की जरूरत है अगर उसको करेंगे, तो उनकी फैमिली ठीक रहेगी mm -hmm. um, so वो करते रहते हैं पर, जब, it, तो दे, उनके अंदर हर बेश बड़ा भाई है या हैदर है या नुच्ची है मुमताजा इवन अ फादर इफ दे है father, के थोड़ा सा दूसरा mm -hmm. अच्छा बंदा

कि आप लोग अब चाह रहे हैं कि थिएटर से निकल के टूवर्ड्स फिल्म टेलीविजन और आई टू रिट्रीट एंड स्टे इन थिएटर बिकॉज ऑब्वियसली जो वो एक आर्टिस्टिक मिलती है ऑन स्टेज वो टेलीविजन पे तो खैर बिल्कुल भी नहीं मिलेगी फिल्म भी कभी शायद कोई एक फलमद okay. ने कमली बना ली अब साइम ने बना ली जॉयलैंड इसके बाद अगली फिल्म कैसी बनेगी इस किस्म की तो मुश्किल है इतनी डेप्थ वाली फिल्में बने आप लोगों को क्या आर योर लाइक एम्बिशन है थिएटर से बड़ी कोशिश की है मैंने भागने की की है लेकिन नहीं होता नहीं होता वापस कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिहर्सल में बैठे होते होते हैं हैं किसी ना किसी परफॉर्मेंस को <laughs> कर रहे सो यू दोस्त है ये लोग हैं तो इनके साथ प्रोजेक्ट्स में करता रहता हमने उनके साथ काम किया हुआ अभी जैसे कि हमने इनफैक्ट ये कोविड के वक्त ही 2019 नो 2020 के एंड में हमने सुनील की फिल्म शॉर्ट फिल्म शूट की थी आ, वो की उसके बाद जॉयलैंड पे काम किया <laughs> the saying, yeah, do between all the festivals by the way, yeah <laughs> between <trying>. festivals <laughs> yeah, you guys are Thru, busy. <laughs> <laughs> yeah <laughs> you just have to do it like yes. the theater yeah, to, yeah, just so I don't know if it's a transition I think it's more like we'll just keep jumping wherever something fun takes right, us I think I mean yeah no pretty much obviously like

both actually love for theater as well but we'll keep falling back on theater i mean mm. we like Joyland. give that i both sit in silence jordan mm. and we're going to take it to islamabad again soon inshallah mm -hmm. um, and lauren and, La and again yeah so uska Maza or Hai, but i would also like to do more films for, yeah. sure. for sure for sure yeah, yeah 100% 100% yeah, like, for sure 100% there's a like just set pe only feeling hai, that's unmatched Yes. Really. Those <laughs> red carpets, also, are not close to him. No, 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 it is not. No, it is not. Film set. Is, <laughs> really. Uh, so yeah, a film yeah. set and 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 theatre rehearsal is, energy, yeah. energy. <laughs> it's, it's it's is. Be energy or energy or. Energy or. But even festivals have energy. I mean, to be amongst so many people whose films are being celebrated, and yours is one amongst them. I mean, yeah, yeah. That must be a really big high. Yeah. yeah. <laughs> well, it's humbling too, and it's kind of it's very intimidating. But fun is also a

So uh, my best friend Jahan, she would go like, so have you thought about that? venice film festival go, red carpet outfit Kya. will And We just laugh, we laugh at these things. <laughs> and then three years afterwards, I messaged her. I was like, "Jahan, I'm And she was like, "Get out!" I know. Um, so it, it is unbelievable. See, ajeeb, ajeeb it's weird. And I think by, now because I'm um, fourth to festival in Hawaii,

Do you think there's any like monumental difference कि अब you know producers, directors phone कर रहे हैं कि भी हम drama करें? या, मुझे yeah, मुझे हर दिन 20 calls आती हैं और I have to schedule them. Yeah, because बीच में ना spa भी जाना होता है. No, I know, I know it's, it's <laughs> a tough. <laughs> देखने yeah, देखने I know it's a tough industry no, to break no. into, but, but um, do you, want... do you think this will be path breaking for you guys? I think it has yeah, been. It, yeah, has it already been. has been. I think. Look, I think जिस वक्त हम film shoot कर रहे थे hmm. ये एहसास तो हो गया था कि

यू नो ऑन सेट आपके साथ भी है मुझे याद है काम करते हुए यू नो इफ आई से कि साम मुझे लगता है ये शायद सीन इस तरफ जा रहा है और साइम कहकर मुझे लगता है इस तरफ जा रहा है फिर हम कहते हैं साइम कहता है कि अच्छा एक ये कर लो एक वैसा कर लो एक बीच में कर लो सो वी फिगर आउटेट दैट फ्रीडम टू काइंडिगर आउट यू नो हाउ इट्स आई थिंक दैट पुज चेंजिंग लाइफ चेंजिंग एज इट इज उसके आफ्टर दैट जब हमारे पास ये Khan, ka Hua um, ya TIFF and BFI and, yeah, mashaAllah, all these others. Obviously, the level of I hate this word, but I'll use it. Exposure mm -hmm. <laughs> changes, yeah, and and therefore uh, the the appropriate opportunities post exposure begin yeah. to kick yeah. in. Yeah, you know, and so we're right. just yeah. hoping for the best. Yeah, but, we're hoping for yeah. the best, guys. No, we're hoping for uh, an Oscar <laughs> nomination, and then we're hoping fingers that crossed. Uh, fingers crossed that. You guys are bringing the trophy home. I'm very I'm very, very hopeful. Yeah. Inshallah. Wow. Inshallah. Inshallah. I'm very, very hopeful. That'll be something. Even... how amazing will that be? Yeah. <laughs> that'll be something. Absolutely. Yeah. I mean it's certainly a pathbreaking film. In just in its uh, essence and mm. the story that it's telling, all the performances, the direction, everything, I think. And the reason why it's picked up by festivals and appreciated is is why it's running in Pakistan because let's be honest, our censorship is very, uh, Controlling It's very, very strange. It's a carded thing. good hamari are not released. Something like A uh, Javed Iqbal got banned. Mm, then, it did. It did. did. It did. And then an Zindagi Tamasha never got to see hmm. the light of a cinema hall, and so you know. ये ये बड़ा थैंक्स टू द फेस्टिवल वो फिल्म फिल्म इतनी बड़ी बन गई है है कि okay. question, question है, कि उसको उसको रोक रोक नहीं नहीं सकते सकते बट गाइस लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पार्टिंग ऑफ कोर्स लोग देखने जाएंगे एंड दे लव इट आप लोगों के पर्सनली उटीलिंग योर फेवरेट सीन्स इन द एंडिंग I have a favorite character, and that's uh, Shabbo from the film. <laughs> Shabbo is, so you the film, but Shabbo is just like if there was ever a woman who was a diva and she belonged on stage, that's Shabbo. And wo Punjabi theater, can in Oh, it's shabu the, the red, the red, yes, red of the yes. one with the heart of the. Oh, yeah, I mean, mine too. Yeah, she absolutely. looks great. Yeah, yeah. Wo yeah. energy and aura around. Ah, ah. no stage, aur yeah. exists, um, I, I wasn't there to shoot, ho rahe tha, but when I saw the film, I was like, I was, bas I was, I was, the was, I was, I I was, I was, I was, I was, I was, I was,

You know, um, we we were able to take the scene wherever it wanted to go. Mm. You know, we knew where yeah. the, what the lines were. We knew right. what the motivation was. Right. Like in uh, when you perform with dangerous actors like this, the, mm -hmm. the, the, <laughs> the thing is that the scene will go mm -hmm. itself somewhere. You don't expect it to go. But I have another one. I have another one. Um, one? At some point. Uh,

एक काम करना है And I was like, नाक के एंड पे एक बीड ऑफ स्वेट है और तुमने उसको पहुंचना नहीं है mm. और तुम वीडियो बना रही हो बट यू हैव टू शो अस की वो तुम्हें तंग कर रहे हैं पूरी mm. like, एनर्जी और फोकस की वो तुम किसी तरह हटा लोनाजा mm. acha <laughs> and then i tried doing it and then he came again with some in the mosquito <laughs> spray kya waaki mein yahan pe aake ruka was <laughs> stuck in there and then i was making the film and i was constantly twitching my nose and by the end it actually annoy kar raha tha yahan pe latka hua i could see it as well and then eventually i just brushed it with my arm yeah. but yeah just so like a random cheesy wala hume bahut unhone fake paseena taala tha that was not <laughs> fun like chip chip jo hota tha i was just और छत पे सीन होते थे छत पे तो, तो काफ़ी कमी जो है वो और धूप जो है वो उस जो भी ग्लिसिन पानी का कॉम्बिनेशन फ्रो उसको um, <coughs> so वो ग्लिसन कॉम्बिनेशन so टैन होता था या कोई रैश होता था तो ये हो जाएगा मैंने वो नहीं करना मैं नहीं लगाऊंगा वो सो so ये धूप में पिछले साल अक्टूबर में बहुत धूप थी गर्मी थी लाहौर के अंदर छत पर शूट करें इसने एक विंड ब्रेकर टाइप चीज पहनी हुई अपने कॉस्ट्यूम के ऊपर एंड ही अबाउट ताकि उसको ataraib and na wo windbreaker mm. track ka isaraba everybody else is like just matlab jitne wo kapde usse batar sakte the decently uske Decently the he had like three layers on because <laughs> he was like I naturally apna that mm. sweat <laughs> manifest yeah. yeah. Right. Yeah. Yeah, was method. a bit of a yeah he was very he was very <laughs> awkward dancer <Yeah>. <laughs> uh, <laughs> <laughs> uh, are you actually that was real that was, <laughs> that was real i'm awful dancer awful I, I dancer i feel like he again was you found a hack for it because he So, I think, मतलब वो अकॉर्ड है तो मैं अकॉर्ड हूँ तो चल गई बात नहीं 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 नॉट अकॉर्ड नॉट अकॉर्ड वो है सच क्योंकि he does I mean in the film he learns to dance and then mm. he's very good at it right um, so snake दो इंटरव्यूज में भी कह के हाँ इन वज़ली बेड और तो सम लोग वाच्स फिल्म और दे केम टू हिम और दे वर लाइक बट यू आर सो गुड तो तुम ये क्य

an immense amount of thrill hmm. which I don't feel from dance yeah. personally. I feel from different Although things, you're but, a performer, but, you're a stage but, performer, you still don't feel for, I'm not yeah. for dance, no. Okay. Not not, not while dancing. I okay. can appreciate other people dancing, right. but I don't see myself doing it. But um and 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 or ne, and shout out to Joe because Joe is Joe Sadear cinematographer. Cinematographer, mm -hmm. just a beast of a cinematographer. Mm -hmm. yeah. What a man. And uh, Simon Joe together is a scary deadly. combination, okay. <laughs> a deadly combination. You know, I mean, have you seen, yeah, seen how this. they put things uh, yeah, together? Yeah. It's brilliant. Um, <clears throat> so we we're shooting that sequence. Just um, the way they shot it, I think, Lagakar. Uh, um I remember feeling an immense amount of thrill and adrenaline hmm. every time Simon would say, "Do it again." Hmm. Do it again. You're enjoying it. Do yeah. it again. Because yeah. for the first time in my life, yeah, I began to enjoy moving like that. Mm. Um, and just the thrill of pushing it to a point where I don't think it's I'm I'm like, no, I will. Neye, kuch kar like, yeah. We Push have yourself. to keep going. Yeah. And I can't express to you the amount of thrill I felt at doing that over and over again. And every time it comes back, you want to do another one? I said, hundred more, I don't care. let <laughs> keep going. Yeah. Um, that was also something that I it's coming back to I think it's a lot of passion movies. that's come together in front of the camera and behind the camera what is it film dekhne aapko nazar aata hai ki so aur your visual language jo hai usmein bhi kitna passion hai your characters you know there's just there's so much sincerity in those characters that it's an absolute joy to watch but guys i wish you the very best thank you for joyland I hope everybody goes and watches, yes. and I hope yes, it indeed. brings home the Oscar. No pressure, but yeah. And I hope that your careers really take off after this, oh, because we need thinking actors in the industry, and it's good to see people who are not going after the rat race, and who are actually committed to the art of storytelling and acting. Thank you so, thank much. You so thank much. Thank much. much. Thank you. Thank, thank you. you for your time. Lovely talking to you. No, thank you. <laughs>